फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एक्सलेंट इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं यानी अपने आप के ऊपर। देखिए दोस्तों हम लोग हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं बट खुद पे इन्वेस्ट नहीं करने में, वही चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। यानी आपके पास एटलीस्ट साल में एटलीस्ट नॉलेज बजट होना चाहिए। नॉलेज बजट यानी अपने दिमाग के लिए कुछ आप एक्सपेंड करें, एक्सपेंस करें कि भाई मुझे ये मेरे नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट कर। चाहे आप सेमिनार के सेमिनार हो, चाहे यूट्यूब में वीडियोस देखें या किसी से मिलना है मेंटर से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आजकल क्या हो रहा, ज़्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वो लोग अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जो कि देखिए आप अगर अपना अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना लर्निंग बढ़ाना होगा। तो लर्निंग बढ़ाने के लिए आपको अच्छे अच्छे जो कोच है वो लोग का कोर्सेज ज्वाइन करना होगा। आप यूट्यूब में भी वो लोग को फॉलो कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ चार्जेस लगता है। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ चार्जेस लगेगा ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। तो दोस्तों अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो बेनिफिट है ये आपको लाइफ टाइम मिलेगा। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलेगा। जैसे हम लोग एजुकेशन लेते हैं तो हम लोग एजुकेशन लेते हैं 20 से 25 साल तक, लेकिन उसका जो वैलिडिटी होता है यानी उसका जो फ़ायदा होता है हम लोग अपना लाइफ टाइम तक उठाते हैं, जब तक जान रहता है तब तक उठाते हैं। दोस्तों एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले कैसे भी ले, लेकिन एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए। जरूरी नहीं कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन क्या आप अपने दिमाग के लिए कितना इन्वेस्ट कर दिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो अभी बिल गेट्स जो हैं वो हर दिन 8 घंटा किताब पढ़ते हैं, जरा सोचिए 8 घंटा। लेकिन जो मिडिल क्लास का आदमी है वो नहीं पढ़ता क्योंकि उसको लगता है कि मुझे सब पता है, जबकि कुछ भी नहीं पता होता। तो दोस्तों इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और अपने आप को ये समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, मुझे सब पता है। क्या पता है आपको, हेलीकॉप्टर चलाना आता नहीं आता, तो आप ही बोल रहे आपको पता है। तो दोस्तों कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप परफेक्ट हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी, आप सीखते रहिए सीखते, जस्ट कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन मूविंग। आप जो भी सीखें कोई बात नहीं, और सीखिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाइए, अपना बेस्ट वर्जन बनिए खुद का। किसी को कॉपी नहीं करें, मुझे उसके जैसा बनना। हाँ रोल मॉडल होना चाहिए बट किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना कि उसको देख के मैं भी बनूँ, ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर तो मैं भी डॉक्टर, नहीं। आपको अंदर से आना चाहिए, मुझे बनना क्या, मुझे टीचर बनना, कोई बात नहीं आपको अंदर से आ रहा। तो दोस्तों अपना टैलेंट को पहचानिए और वही चीज़ कीजिए जिसमें आपको मज़ा आता है। क्योंकि देखिए अगर आप अपने फील्ड में सक्सेस होना चाहते तो आपको अपने जुनून को पहचानना पड़ेगा, यानी अपने टैलेंट को पहचानना होगा। आपका टैलेंट क्या है उसको अगर आप पहचान लें और उसके ऊपर काम किए तो आप गारंटीड एक ना एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। तो दोस्तों अपने टैलेंट को पहचानिए और वही चीज़ कीजिए जिसमें आपको मज़ा आता है। टैलेंट को पहचानेंगे कैसे, जिसमें आपको मज़ा आता है, जो भी हो सकता है, खेलने में मज़ा आता हो, सिंगिंग में मज़ा आता हो, पेंटिंग में मज़ा, कुछ भी हो सकता है, उसको फॉलो कीजिए, काम कीजिए। देखिए सफल होने के लिए आपको टाइम लगे, यानी लॉन्ग टर्म, ऐसे नहीं कि तुरंत रातों रात सफल होता है आदमी, लेकिन उसके पीछे कई सालों का मेहनत होता है। यानी जितनी बड़ी संघर्ष होगा आप पर, जितना बड़ा संघर्ष होगा सक्सेस भी उतना ही बड़ा होगा। तो दोस्तों अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको अपने आप पर भरोसा है, अपने काबिलियत पर भरोसा है, तो इस दुनिया में इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इम्पॉसिबल भी अपने आप में कहता है कि आई एम पॉसिबल। दशरथ माझी को जानते हैं, दशरथ माझी की पत्नी पहाड़ से गिर गई, तो जरा बताइए पहाड़ से गिर गई और उसका डेथ हो गया। दशरथ माझी ने अपने आप से कमिटमेंट किया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और उसको पहाड़ तोड़ने में 22 साल लगा एक छेनी और एक हथौड़े से 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ज़रा सोचिए दोस्तों, जब एक आदमी अकेले एक छेनी और एक हथौड़े से पहाड़ तोड़ सकता तो आप क्या नहीं कर सकते। आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर टैलेंट है, सब कुछ है, बस आपके अंदर वो जज्बात ही हो, जुनून जी। देखिए आप बात बताइए, एक ट्रक बारूद जा रहा तो ट्रक अपने आप नहीं चलेगा, उसको एक चिंगारी की ज़रूरत है। तो दोस्तों वही आपको भी एक चिंगारी की ज़रूरत है, बस देखिए चिंगारी की ज़रूरत है। चिंगारी में आग लग जाएगी ना, चिंगारी जैसे लग जाएगा ना ट्रक में, तो ट्रक ब्रूम यानी ब्लास्ट हो जाएगा, समझ रहे। बस वो चिंगारी की ज़रूरत है और बस आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, अपने जो चैलेंज का दिमाग है इसको अपग्रेड कीजिए। क्योंकि यही हम लोग का सब कुछ है। हम लोग आज जो कुछ भी कर रहे हैं, हम लोगों को किसी भी फील्ड में आज पैसा मिल रहा तो किस वजह का मिल रहा, किस लिए मिल रहा, हम लोग का जो नॉलेज है उसके लिए मिल रहा। आपके पास आप अगर कोई रेस्टोरेंट चला, कोई सर्विस दे रहे, कुछ अच्छा काम कर, उसके लिए आपको पैसा मिल रहा, तो आप उसी को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों
बस अपने आप को बेहतर बने, अपना बेस्ट वर्जन बनिए, ओके, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमारे चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोज और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव फन इन योर लाइफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।